तो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल केपीएम फैंटेसी एक्सपर्ट पर। और भाई आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूँ जो आसाम प्रीमियर T20 लीग है, इसका भाई जो आज के दिन का दूसरा मैच है और ये भाई आखिरी लीग मैच है, ठीक है। इसके बाद भाई सेमीफाइनल और फाइनल ही खेले जाएंगे। तो यहाँ पर अगर बात करें आखिरी लीग मैच की, तो ये खेला जाएगा तिनसुकिया टाउन क्लब वर्सेज इंडिया क्लब के बीच में। मैच की अगर टाइमिंग की बात करें तो 1 बजे मैच खेला जाएगा। अभी भाई ऑलमोस्ट 11 बजने वाले थे, यानी कि 2 घंटे बाद ये मैच खेला जाएगा। आपको जब वीडियो मिलेगी तब 2 घंटे से भी कम टाइम बचा होगा, तो जब भी आपको वीडियो मिले वीडियो आपको कंप्लीट देख लेनी है, ठीक है। वेन्यू की अगर बात करें तो भाई अमीगांव क्रिकेट ग्राउंड गुवाहाटी में मैच होने वाला है। वहीं अगर बात करें वेन्यू के रिकॉर्ड्स की, तो ये भी आपके लिए जानना काफी ज्यादा जरूरी है। यहां पर अगर बात करें वेन्यू के रिकॉर्ड्स की, तो आप देख सकते हो जो टोटल मैचेज यहां पर खेले गए वो भाई 53 है, और 53 मैच में से 32 मैच भाई बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने विन की, और भाई 20 मैच बैटिंग सेकंड करने वाली टीम ने, जबकि 1 मैच नो रिजल्ट में एंड हुआ है। एवरेज स्कोर की बात करें तो 140 से 160 के बीच में रहा है। वही अगर बात करें पिच रिपोर्ट की, तो न्यूट्रल विकेट है यहाँ पर भाई, बैटिंग बॉलिंग दोनों के लिए इक्वली हेल्प होने वाली है। वहीं अगर बात करें वेदर की, तो वेदर बिल्कुल क्लियर रहेगा, बारिश वारिश के चांसेस बिल्कुल भी मेरे को नहीं लग रहे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ भाई देखो, टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। अभी जो आज के दिन का पहला मैच इस मतलब इस लीग का खेला गया था ना, वो भाई हमारे लिए एक इनिंग अभी खत्म हुई है, अभी तक भाई अल्ट्रा क्लीन स्वीप जा रहा है, ठीक है। मैच के बाद मैं रिजल्ट टेलीग्राम चैनल पर दूंगा। और भाई ये पूरी लीग है ना, ये 30वां मैच है, 30 मैच में से भाई मैंने मतलब 28 मैच में से मैंने 22 मैच आपको अल्ट्रा क्लीन स्वीप दिए थे, और वो 23वां मैच होगा जो भाई अभी मतलब विन हमारी विनिंग हमारी उसमें होने ही वाली है, ठीक है। ऑलमोस्ट डन हो चुका है सब कुछ, थोड़ी बहुत मतलब अगर देखो अगर होगा ना, तो 1-2 कॉन्टेस्ट हम हारेंगे, वो भी तब जब हमारा लक बहुत खराब होगा, अदरवाइज भाई हमारी जो सीवीसी है वो भाई इजिली रोक कर गए, ठीक है। अब यहां पर टेलीग्राम चैनल आपको कैसे ज्वाइन करना है, देखिए दोस्तों नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें भाई आपको लिंक मिलेगा, लिंक पर आप क्लिक करोगे तो भाई जैसे आप लिंक पर क्लिक करोगे आपको हमारा टेलीग्राम चैनल दिख जाएगा, टेलीग्राम पर आप ऑटोमेटिकली आ जाओगे, वहां पर भाई नीचे ज्वाइन का बटन होगा, वहां पर जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बाय चांस अगर लिंक वर्क ना करे तो आपको क्या करना है भाई, आपको ये सेम टू सेम लिख के सर्च कर लेना है। एक बार मैं आपको टेलीग्राम चैनल दिखा देता हूं, 5.5K की फैमिली हमारी कंप्लीट हो चुकी है, यहां से आप देख सकते हो। बाकी अगर बात करें तो यहां पर देखो केपीएम फैंटेसी एक्सपर्ट ही हमारी टेलीग्राम आईडी है, बिना स्पेस के सारे कैपिटल लेटर्स में ये डालकर भी आप सर्च करके हमें ज्वाइन कर सकते हो। 5.5K के मतलब जो ये 5.5K की फैमिली है ना, यही चैनल हमारा ओरिजिनल चैनल है। इसके अलावा जो भी चैनल बने हुए भाई फेक बने हुए हैं उनसे दूर रहना, अदरवाइज भाई आपको लॉस भी हो सकता है। अब चलिए यहां पर बात करते हैं भाई डेमो टीम की, लेकिन उससे पहले भाई दोनों टीम्स के एक बार स्टैट्स यहां पर चेकआउट करने काफी ज्यादा जरूरी है, वो भाई एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तिनसुकिया टाउन क्लब की बात करें तो आयुष अग्रवाल दिखेंगे आपको विकेट कीपिंग सेक्शन में, 61 मैच में 1375 रन और 2 विकेट है। निहार नारा की बात करें तो भाई 67 मैच में 1962 रन और 4 विकेट है। इसके अलावा अमित सिन्हा की बात करें तो भाई 58 मैच में 1562 रन और 63 विकेट है। कल्याण गोगोई 38 मैच में यहाँ पर भाई 25 विकेट भी है और भाई 641 रन है। तो यानी कि यहाँ से भाई टॉप 4 में से कोई 3 तो आपको पिक करने ही करने चाहिए, ठीक है। गजब के प्लेयर है सारे के सारे, अभिलाष गोगोई आपके लिए मस्ट पिक प्लेयर रहेगा, बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों तरीके से पॉइंट देगा। इसके अलावा अमन छेत्री और आकाश छेत्री दोनों भाई मेरे हिसाब से बिल्कुल जबरदस्त प्लेयर है। हालांकि देखो अमन छेत्री अभी रिसेंट मैच की बात करें तो कुछ खास नहीं कर पाए थे, और आकाश छेत्री जो है भाई ये अभी पूरे टूर्नामेंट में इतने नहीं चले हैं, लेकिन भाई अगर दोनों में कंपेरिजन करें तो दोनों भाई बहुत ही गजब के प्लेयर है, ठीक है। आप इस टीम के 7 प्लेयर और दूसरी टीम के 4 प्लेयर के साथ जा सकते हो। शिवम मित्तल की बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पर भाई 52 मैच में 1100 रन है, आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा। बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा सस्पिशियस रहता है कहां पर खेलेगा, अगर भाई ठीक ठाक जगह बैटिंग ऑर्डर आता है तो भाई आप इसे ट्राई कर सकते हो, ठीक है। बात करें अगर प्राचीर छंगमई की, तो आप देख सकते हो 29 मैच में 31 विकेट है। निखिल शर्मा की बात करें तो भाई 22 मैच में 47 रन है, जीएल मिनी जीएल में ट्राई करना। वहीं अगर बात करें सनी अहमद की, तो भाई जीएल मिनी जीएल में ही इसे ट्राई करना, 22 मैच में 7 विकेट इन्होंने निकाल रखे हैं। आईसीएल की बात करें तो भाई नीरज शर्मा आपको दिखेंगे, 24 मैच में 214 रन है, चाहो तो ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज भाई जीएल मिनी जीएल में ट्राई करना। प्रशांत कुमार की बात करें तो भाई 49 मैच में 1100 के आसपास रन और 14 विकेट है, ठीक ठाक प्लेयर आपके लिए रहने वाला है। बात करें
रियान जोमिल मजूमदार की तो 91 मैच में 2571 रन और 26 विकेट है। राजू दास की बात करें तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्लेयर्स में से एक रहेगा यहाँ पर, 60 मैच में मतलब ऑलमोस्ट 2200 रन है, ठीक है। वहीं अगर बात करें यहाँ पर आर देखा यानी कि रुद्राजीत देखा की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 48 मैच में 77 विकेट है। मेरे हिसाब से आपके लिए मस्ट पिक प्लेयर यहाँ से होने वाला है। तो इसके अलावा संजो ब्राह्मा की बात करें तो भाई देखो अगर आपको ट्राई करना तो कर सकते हो, 1 डाउन 2 डाउन खेलेगा, लेकिन भाई मैं देखो मेरी पर्सनल ओपिनियन जानूंगी तो भाई मैं इसे ड्रॉप करके चलूंगा। यहाँ पर अगर बात करें ऋषभ दत्ता मजूमदार की तो 14 मैच में 23 रन और भाई 12 विकेट भी है। परवेश मुशर्रफ आपके लिए मस्ट पिक प्लेयर रहेंगे, 83 मैच में भाई यहाँ पर 3000 रन और 147 विकेट, मेरे हिसाब से आपके लिए मस्ट पिक प्लेयर रहेंगे। प्रदीप सरकार को भी आप ट्राई कर सकते हो, 62 मैच में ऑलमोस्ट 2000 रन और 65 विकेट है। समीक दास के 86 मैच में 113 विकेट इन्होंने निकाल रखे हैं। शेखर बर्मन की बात करें तो आप यहाँ से देख सकते हो 52 मैच में भाई 69 विकेट इन्होंने निकाल रखे हैं। अब देखिए जीएल मिनी जीएल की बात करें तो आपके लिए जीएल मिनी जीएल की भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको टीम प्रोवाइड करवाऊँ, आफ्टर लाइनअप 4 जीएल की टीम मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और अगर आप लोग भाई वीडियो पर 50 लाइक कंप्लीट कर देते हो तो 100% मैं आपको भाई जीएल की टीम प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। तो अब चलिए भाई यहाँ से बात कर लेते हैं डेमो टीम की, तो डेमो टीम अभी मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, बाकी जो फाइनल टीम है ना वो भाई आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, अभी के अभी आप जाके ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ से अगर बात करें तो ए अग्रवाल यानी कि भाई यहाँ से आपके लिए आयुष अग्रवाल मस्ट पिक प्लेयर रहेंगे, हालांकि परफॉर्मेंस इतनी कुछ खास नहीं आई है लेकिन फिर भी भाई आपके लिए मस्ट पिक प्लेयर यहाँ से रहने वाले हैं। एस ब्रह्मा और शिवम मित्तल दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, यहाँ से निरा नारा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, और पी सरकार को आप ट्राई कर सकते हो, लगातार परफॉर्मेंस अच्छी यहाँ पर आ रही है बंदे की, तो मेरे हिसाब से आपके लिए एक मस्ट पिक प्लेयर होने वाला है, ठीक है। तो आप इसे अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। ऑलराउंडर सेक्शन भाई अमन छेत्री को मैं अभी के लिए ड्रॉप करके चलूंगा, यहाँ पर आकाश छेत्री को मैं अपनी टीम में ले रहा हूँ, नीचे परवेज मुशरफ और अभिलेश गोगोई को मैं अपनी टीम में ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से अगर बात करें तो आप समीक दास को ट्राई कर सकते हो, फिर आपको क्या करना है भाई आप यहाँ से मतलब शिवम मित्तल को ड्रॉप कर सकते हो, शिवम मित्तल मतलब यहाँ पर बैटिंग कर रहे हैं तो इसीलिए मैं इसको ड्रॉप अभी के लिए कर रहा हूँ, और यहाँ से भाई मैं एस दास को ट्राई कर रहा हूँ। बात करें बॉलिंग सेक्शन की तो अमित सिन्हा हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, यहाँ पर पी सांग भाई हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, एस ज्योति बर्मन इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। तो टीम एक बार मैं आपको प्रिव्यू आपको दिखा देता हूँ, तो कुछ इस प्रकार की टीम अभी के लिए हमारी होने वाली है, बाकी देखो फाइनल टीम आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, अभी के अभी आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। दूसरा तरीका मैंने बता दिया, सीवीसी की अगर ऐसे बात करें तो भाई परवेज मुशर्रफ, अभिलाष गोगोई और अमन छेत्री, ये तीनों भाई आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेहतरीन प्लेयर रहने वाले हैं। और जीएल मिनी जीएल के कॉम्बो की बात करें तो आप क्या कर सकते हो, यहां से नारा और अग्रवाल इन दोनों को सीवीसी ट्राई करना, ठीक है। एक में आप गोगोई और छेत्री को सीवीसी ट्राई करना, एक में आप परवेश और मतलब गोगोई को सीवीसी ट्राई करना, एक में आप समीक दास के साथ भाई आप यहां से ट्राई कर सकते हो पी सरकार, या फिर भाई आप ट्राई कर सकते हो यहां से एस ब्रह्मा को, ठीक है। ये 4-5 कॉम्बिनेशन आपको बना लेने, बाकी देखो कोशिश करूंगा मैं टेलीग्राम पर आपको 4 जीएल की टीम प्रोवाइड कराऊं, लेकिन अगर 50 लाइक कंप्लीट हो जाते हैं तो 100% मैं आपको 4 जीएल की टीम देने वाला हूं इस मैच की। तो जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कीजिए, कोई प्यारा सा कॉमेंट अगर आप करना चाहो तो आप वो भी कर सकते हो। अब यहां से स्मॉल लीग के सीवीसी की बात कर लेते हैं, तो अभिलाष गोगोई हमारे कैप्टन रहेंगे, एस दास को आप वीसी ट्राई कर सकते हो, लेकिन भाई मैं ऐसे परवेज मुशरफ के साथ जा रहा हूं, ठीक है। बाकी अगर आप चाहो तो आप ऊपर से पी सरकार के साथ जा सकते हो, बट भाई मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट आज के लिए परवेश मुशर्रफ रहेगा। इसके अलावा यहां पर आकाश छेत्री भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट वीसी का रोल प्ले कर सकता है, ठीक है। अमित सिन्हा को जीएल मिनी जीएल में ट्राई करो, ठीक है। स्मॉल लीग में आप इसे मतलब एज ए प्लेयर ट्राई करना, जीएल मिनी जीएल में सीवीसी ट्राई कर सकते हो। यहां से एक बार टीम के फाइनल प्रीव्यू की बात करें तो कुछ इस प्रकार की भाई अभी के लिए हमारी टीम होने वाली है, बाकी अगर इसमें कुछ भी चेंजमेंट होता है तो उसकी अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, मैं भी मिलता हूं आपसे मैच टाइम पर टेलीग्राम चैनल पर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।